फ्लैशबैक। मैं हूं नबी अली सिद्दीकी, आपकी होस्ट, और ये है हमारे साथ शगुफ्ता एजाज, जिन्होंने आज तक अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया जो बनाना चाह रही थी। आज हम आए इनकी हैप्पी बर्थडे पे, और ये है उनकी दो बेटियां जो कि खा रही हैं जिनसॉय। ये है उनका डोगी और यूं मैं उनकी बेटी जी। मिस शगुफ्ता एजाज इंशाल्लाह 2-3 साल में अपना YouTube चैनल का आगाज़ कर देंगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आफ्टर 3.5 ईयर्स। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत जल्द आप देखेंगे मेरा YouTube चैनल शगुफ्ता एजाज़'s lifestyle। हम 8 साल से सुन रहे हैं। अब अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड अ फ्लैशबैक। वन इटर्निटी लेटर। Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि मैं आपसे अपनी ड्रेस कलेक्शन शेयर करूँ, तो मैंने सोचा चले एक और तरह की वीडियो बन जाएगी। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कलेक्शन सेमी फॉर्मल से, जो मैंने रखे हुए हैं किसी बर्थडे पे, किसी डिनर पे, या इस तरह के लाइट इवेंट्स में जाने के लिए। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे निकाला है ये ड्रेस। ये बहुत प्यारा लाइट सा ड्रेस है, और इसका दुपट्टा जो है वो इस तरह का है। ट्राउज़र मुझे थोड़ा सा इसका ऑफ लगता है, मगर ये है कि जब आप पहनते हैं तो शर्ट की लेंथ में कवर होके वो बुरा नहीं लगता। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप किस तरह से एक्सेसराइज भी कर सकते हैं। ये देखें, दिस इज़ सो प्रिटी। और मुझे वैसे भी इस तरह के लाइट कलर्स, अर्थी टोन्स और ये पसंद है। और मैं एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखती हूँ वो ये कि सी थ्रू ना हो कपड़े, तो इसके अंदर लाइनिंग भी लगी हुई थी, इस वजह से ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने इमरजेंसी में पिक किया था, क्योंकि मुझे कहीं जाना था मेहंदी में या निकाह में, सो आई वाज आउट, शूट पे थी, तो मैंने बस जल्दी से पिक किया और चेंज करके तैयार होके हम लोग निकल गए। तो ये है एक ड्रेस जो कि लाइट इवेंट्स पे आप पहन सकते हैं। दूसरा ये है, ये ड्रेस मुझे गिफ्ट मिला था और मैंने सिलवाया था, एंड इसके साथ मैंने वही थोड़े से लूज बॉटम पैंट्स, और इसका दुपट्टा बहुत हसीन है। ये देखें, तो ये तो आप किसी प्रॉपर शादी में भी पहन सकते हैं। ये देखें, इसके बॉर्डर के साथ मैच कर रहा है, और इसमें ये जो गोल्डन कॉपरिश गोल्ड ऐड हो रहा है ये सिल्वर और डल गोल्ड के साथ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मुझे कहीं बहुत उसमें जाना हो, बहुत ही लाइट, लाइक किसी मूवी प्रीमियर में या कहीं, तो ये इस तरह के खाली सिल्क के जोड़े जो कि बहुत एक क्लासी लुक देते हैं, इसके साथ ये पैंट्स हैं। देखिए कितना खूबसूरत, ये इसका बॉटम है, और ये काफ़ी पुराना मेरा ड्रेस है, और ये इसका बहुत ही प्यारा सिल्क का दुपट्टा है। तो ये बहुत एलिगेंट भी लगता है, और इस तरह से अगर आप कोई बहुत कलरफुल ड्रेस पहने जिसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट हों, तो कोशिश करें कि आपका मेकअप जो है वो लाइटर साइड पे हो, ये ना हो कि बहुत बेस भी लगी हुई, आंखें भी काली हो गई, और सिर्फ आप सटल सा अपना स्किन टोन करें इवन, और डार्क सी कोई लिपस्टिक लगाएं, और हल्का सा चीक्स पे ब्लश, एंड दैट्स इट। अच्छा सा ब्लो ड्राई, खुले बाल रखने हैं या बांधने हैं, मगर नीट सा एक हेयर स्टाइल। और ज्वेलरी आप कोई इस तरह के स्टड्स पहन सकते हैं इसके साथ, आई डोंट थिंक कुछ डैंगलिंग अच्छा लगेगा। हाँ, ये जो मैंने आपको ड्रेस बताया, इसके साथ आप फुल चोकर भी पहने, बड़े झुमके भी पहने या बुंदे पहने, लेकिन कोशिश करें कि मेटल जो है वो इसकी एम्ब्रॉयडरी से मैच करे, ठीक है। बाकी ये जो है ये भी वही, इसके साथ आप कोई लाइट झुमके पहन सकते हैं, लाइट,
और गर्दन में अगर आप चाहें तो कोई बहुत लाइट सा नेकलेस पहन लें या कोई छोटी चेन पहन लें और बाकी इसको एक्सेसराइज करें. आप कोई ब्रेसलेट्स पहने, बैंगल्स या कोई बड़ा कड़ा पहने और वॉच पहने एंड हील्स के साथ. ये तीनों ड्रेस जो मैंने आपको दिखाई, ये तीनों हील्स के साथ जाएंगे. आप कोट शूज में लें या फॉर्मल हील्स लें तो वो उसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे. लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ ड्रेस एंड दैट इज गोइंग टू बी okay. Let's move on to something really really elegant. अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको कोई ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है. ये मैंने एक प्लेन कपड़ा खरीदा था, इसको बहुत स्मार्ट सा सिलवाया, फिटिंग वाला ट्राउजर, और ये मेरा ख्याल है कोई 2,500 में मेरा जोड़ा रेडी हो गया था. और इसके ऊपर मैंने अपने किसी भी जोड़े का दुपट्टा, जैसे कि ये है, ये देखिए कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा है और इससे ये फेस्टिव भी हो गया. इस पे मैंने ये लगवाए, लेस लगवाई और इस दुपट्टे को बनवाया पूरा. ये देखें तो ये आप पहन के किसी शादी वादी में भी जा सकते हैं अगर आप इसे अच्छी तरह से एक्सेसराइज करें. ये देखें, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, ग्रे और हॉट पिंक. तो इसके साथ आप बहुत हैवी कोई ज्वेलरी प्यारे से झुमके पहने ताकि वो जो सूट प्लेन है और उसकी डलनेस है वो कवर हो जाए, और चूड़ियाँ भी पहने और घड़ी. और इसके साथ आप चाहें तो खुद से भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कोई क्लासी लुक. तो कोई सैंडल जो वेजेस पहन लें या कोई सैंडल पहन लें, इस तरह की हील वाली पहन लें. कोट शूज इसके साथ अच्छे नहीं लगे क्योंकि ये फिर ट्रेडिशनल हो गया. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और सेमी फॉर्मल्स में मेरे पास, मैं तो इसी तरह से मिक्स एंड मैच करती हूँ ज़्यादातर. लेकिन जैसे ये है, अब ये गर्मियों के लिए है तो ये पिशवास और है भी बहुत कैजुअल सी. ये देखें, कॉटन है. कराची में इतनी गर्मी होती है, आप किस तरह से रेशमी और इस तरह के कपड़े ईद पे और पहन सकते हैं. मैंने पिछली ईद पे लिया था और ये देखिए इसका कितना खूबसूरत इजार है. ये आप सिलवाएं, बनवाएं अपने कपड़े. और इसका ये दुपट्टा है तो ये तो फुल सिल्वर है. इसके साथ आप कोई कोल्हापुरी चप्पल पहने, सिल्वर कलर के झुमके पहने, और चाहे तो चूड़ियाँ पहन लें अगर आप किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हैं, वरना फिर आप कोई बड़ा सा कड़ा पहने और रिंग्स से एक्सेसराइज करें, कोई ब्राइट सा नेल कलर लगाएं, और हॉट पिंक लिपस्टिक इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी. इसके साथ आप कोल्हापुरी भी पहन सकते हैं, खुद से भी पहन सकते हैं, बिकॉज ये दोनों के साथ अच्छा लगेगा. या फिर आपके पास अगर कोई सिल्वर कलर की मॉडर्न चप्पल हो, जैसे हमारी सैंडल्स आजकल आ रही हैं जो डिज़ाइन इन हैं, वो भी आप पहन सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर सच सेमी फॉर्मल एंड ब्यूटिफुल जोड़ा. अच्छा, फिर ये मेरे कलेक्शन में एक ये बहुत पुराना रखा हुआ है. ये उस ज़माने का है जब मैं बहुत पतली थी. मेरी बहन, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम कैसे चीज़ें इतनी संभाल लेती हो. लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ों का ख्याल रखा जाए, उन्हें अच्छे से रखा जाए. ये और इसमें मैंने फिट इन होना है इंशाल्लाह. ये इसका दुपट्टा है मल्टी कलर्स का. अच्छा, इसके साथ अब मैं आपको बताऊं कि इसको आप कैसे कैरी करेंगे. अगर आप इस तरह का कोई ड्रेस बनवाते हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट है, जिसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट हैं, तो ये चूंकि इसमें ब्लैक भी है तो इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि स्मोकी आइज बनाएं और लाइट सा नूड सा कोई लिप्स पे शेड लगाएं, और नूड सी नेल कलर हो आपकी, और ज्वेलरी में आप कुछ भी मॉडर्न, क्योंकि ये इतना ट्रेडिशनल नहीं है, कोई डैंगलिंग इयररिंग्स पहने जो अच्छे क्लासी से स्टोन वाले हों, और गले में भी कुछ इस तरह का, कोई लॉन्ग भी पहन सकती हैं या शॉर्ट पहन लें, या कोई चोकर पहन लें या सेट पहन लें, और रिंग्स वगैरह पहन के अच्छा सा इसे एक्सेसराइज करें. और जूता इसके साथ चलेगा, हील्स. इसके साथ आप कोट शूज़ भी पहन सकते हैं, किसी बेज से कलर के, ब्लैक कलर के. आजकल तो इतने अच्छे अच्छे आए हुए हैं मार्केट में. पहले तो ये होता था कि हमें बाहर जाके ख़रीदने पड़ते थे क्योंकि कोट शूज़ यहाँ कंफर्टेबल ही नहीं होते थे, लेकिन अब तो बहुत बन रहे हैं. अच्छा जी, ये एक ड्रेस है, बहुत अच्छा सेमी फॉर्मल है,
और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, स्लिमिंग। ये इसकी शर्ट है और कढ़ाई बहुत नफीस हुई है। ये कलर भी है, इस साइड के मुझे थोड़े लाइट कलर्स पसंद है और इसका दुपट्टा जो है वो शेडेड है, उसमें तीन कलर्स। अब ये है एक बहुत ही क्लासी ड्रेस, इसके साथ आप कुछ भी गोल्ड और क्रिस्टल से या जरकॉन के साथ कुछ कानों में चाहे डैंगलिंग पहने या टॉप्स पहने, लेकिन गोल्ड और स्टोन्स में होना चाहिए वो पहने। और गले में कोई हल्का सा इसी तरह स्ट्रिंग का नेकलेस, कोई एक इस तरह से लड़ी सी लगे, वो पर्ल्स भी पहन सकते हैं आप इसके साथ, वो भी अच्छे लगेंगे। एंड उसी तरह से आप बाकी जिस तरह एक्सेसराइज करना चाहें, मेकअप इसके साथ आप लाइट करके रेड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड पे भी रेड लिपस्टिक अच्छी लगती है, ग्रे पे भी अच्छी लगती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैरी दिस। फिर एक मुझे ये पोंचो अपना नज़र आया, ये भी मैंने बहुत पहना है। तो ये है पोंचो स्टाइल, इसके साथ मैं हमेशा जो है वो पहनती हूँ। तो जब आप इसे पहन लेते हैं तो इसका लुक जो है साइड थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और ये ऐसे हो जाता है, तो इतना ऊपर नहीं होता मगर ये कि रीजनेबली यहाँ तक आता है। तो इसके साथ वो पहनते हैं ब्लूज, जैसा ये है ना, मैंने आपको ब्लू दिखाया इस तरह से, कोई प्लेन ब्लैक में मेरे पास क्यूलॉट्स हैं वो पहनते हैं, और ऊपर कोई प्लेन दुपट्टा भी हो सकता है, लाइक ये गोल्ड भी हो सकता है अगर आपने किसी बनी में या कहीं जाना है, ये भी हो सकता है, या ब्लैक के ऊपर कुछ गोल्ड हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये मेरी सेमी फॉर्मल कलेक्शन पार्ट वन, और अब हम चलते हैं फॉर्मल्स की तरफ। और हाँ, आप लोगों ने मेरे होम टूर में दो कमरे नहीं देखे थे, आज मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, एक बच्चों का कमरा और एक हया का कमरा, क्योंकि बच्चे सो रहे थे और हया भी सो रही थी, तो आज दोनों कमरे फ्री हैं तो मैं आपको का कमरा जो उस दिन हम नहीं देख सके। ये उनका शू रैक है, ये बेड है, साइड टेबल्स हैं, उनका लैपटॉप अभी इधर ही है, ब्लू थीम है तो ये इस तरफ उन्होंने ब्लू, एक हया की शादी की और इंगेजमेंट की तस्वीरें, और ये सेटी है छोटी सी, टीवी, उनके बैग्स, हैंडबैग्स, और यहाँ भी पिक्चर है, ये ड्रेसिंग, और ये उनके कैजुअल पहनने वाले जूते, बिकॉज़ हया वांट्स एवरीथिंग उसकी पहुंच में, जहाँ से वो इजीली एक्सेस कर सके चीज़ों को। आइए अब आपको बच्चों का कमरा दिखाते हैं। जी, ये है बच्चों का कमरा, उनकी स्टडी और उनका बेड, उनकी सेटी, और ये वो रॉकिंग चेयर है जिस पे मैं इन लोगों को बैठ के रात में कहानी सुनाती थी, ऊपर लाइट भी लगी हुई और ये लोग सो जाते थे और मैं अपने कमरे में चली जाती थी। एंड दिस वाज सो मच फन। जी पॉपी, क्या चाहिए। और इनका जो कमरा है उसमें एक कॉमन बाथरूम है, तो इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि कमरे छोटे ना, उसने दो बाथरूम्स की जगह एक बना दिया था। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कबर्ड्स हैं इनकी, इसके पीछे इनके जूतों के रैक हैं, और ये कॉमन बाथरूम है। ठीक है, ऊपर वाले क्लोजेट में जाने के लिए हमें सुखवाल से गुजरना पड़ेगा, तो आइए। इस वक्त तो समर्स है, पौधों की बहार है, जबरदस्त पौधे खिले हुए हैं। ये है मेरा वार्डरोब और स्टोर, टू इन वन। इनमें मेरे फॉर्मल कपड़े हैं और कुछ कैजुअल्स हैं, कुछ सर्दियों के मैं रखती हूँ,
तो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना कलेक्शन अपना फॉर्मल कपड़ों का। जी तो ड्रेस नंबर 1 ये है जी, ये आपने मुझे देखा भी होगा अनिया की मेहंदी पे पहने हुए, और ये इसके साथ पिंक दुपट्टा है पिंक, और इसके ऊपर ब्लू टेसल्स लगे हुए हैं। आप अनिया की मेहंदी की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये ड्रेस नज़र आएगा, और इसको तो आप फुल्ली कोई डायमंड टाइप की ज्वेलरी जो होती है जरकॉन्स की उससे एक्सेसराइज करें, खूब अच्छा सा मेकअप करें, टील के ऊपर तो रेड भी अच्छा लगता है, पिंक भी अच्छा लगता है, ऑरेंज भी अच्छा लगता है, जो चाहे लिपस्टिक लगाए। अच्छा जी, वाइट चूँकि मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है इसलिए वाइट आपको मेरे वार्डरोब में बहुत नज़र आएगा। ये है एक वाइट, ये मैंने अनिया के निकाह पे पहना था, और इसके साथ स्ट्रेट पैंट्स हैं, और इसका दुपट्टा ये है, ये शर्ट है और दुपट्टा इसका या नीचे है। ये देखें, ये ट्राउजर है और ये इसका दुपट्टा है, और ये दुपट्टे का वो है पल्लू। सो ये भी मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है क्योंकि वाइट है और वाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक पेशवास स्टाइल का ड्रेस है, और ये देखें, ये इसकी शमीज जो है ये इस पे आ जाता है, ये इस तरह से इसको पूरा कवर कर लेती है, और ये मैंने बनवाई थी क्योंकि इसका गला बहुत बड़ा था, और ये इसके साथ दुपट्टा सिल्क का ही है, इस तरह से प्लेन टाई एंड डाई, और ये देखें, और ये पहन के बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें भी मेरी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया पे अगर आप देखना चाहें कि लुक कैसा है। ये इसकी बैक है लेकिन चूँकि शमीज़ आ जाती है पीछे तो वो पूरा कवर हो जाता है। ठीक है जी, अब इसको समेट के विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, एक ये है मेरा फॉर्मल ड्रेस, ये प्रॉपर फॉर्मल है, आप किसी बहुत फॉर्मल इवेंट में शादियों में पहन सकते हैं, एंड ये मैं आपको दिखाती हूँ बिकॉज इसके साथ पूरा इजार है। पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन है, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। ये इसका उल्टी साइड है और इसकी सीधी साइड है, इस पे इस तरह से ये लगे हुए हैं, और ये बनारसी और इसके साथ ये पर्पल इजार है। ग्रैंड लगता है जब पहनते हैं ये। जी एक ये ड्रेस है मेरा फॉर्मल, ये मैंने एमन की शादी पे भी पहना था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये शर्ट वेलवेट है और कढ़ाई है इसलिए मैं इसे उल्टा करके रखती हूँ ताकि हवा लग के कढ़ाई ख़राब ना हो। ये बहुत प्यारा ड्रेस है, इसके साथ भी सिल्वर कलर के बहुत प्यारे से इयररिंग्स, ये देखें, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, ये देखें उस पर गोटे का काम हुआ हुआ है सारा, खोल के दिखाती हूँ आपको। और वेलवेट के ही पैंट्स हैं इस तरह से, ये देखें, ये इसके पैंट्स हैं और ये दुपट्टे हैं।
और इसके साथ आप चूड़ियाँ नहीं पहन सकते, इसके साथ आपको कोई कड़ा या ब्रेसलेट्स की कोई हैवी सा ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा जो कि अच्छा डैंगलिंग ब्लिंग ब्लिंग हो। और लिपस्टिक तो ज़ाहिर है पिंक है तो आपको पिंक का ही कोई शेड चूज़ करना पड़ेगा। एंड स्मोकी आइज़ भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छी सी। एंड ब्लैक कोट शूज़ बहुत ज़बरदस्त लगेंगे इसके साथ। तो ये देखें इसके बाजू पे भी कितनी डिटेलिंग है, बहुत स्मार्ट है ये फिट। जी ओए होए होए होए, एक ये है मेरा फॉर्मल ड्रेस, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत हैवी ड्रेस है, ये मैंने अनिया की शादी में पहना था और इट्स सो हैवी। वेट कॉन्शियस लोग जो हैं इसको पहन के अपना वजन ना करें। ये देखें और ये फर्शी पिशवास टाइप की है और ये बहुत स्मार्ट लगती है। और क्योंकि हैवी है तो नीचे ये फर्श पे होती है तो वो इस वजह से थोड़ा सा आप स्लिम भी लगते हैं अगर इसकी फिटिंग अच्छी हो तो। इसका दुपट्टा जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, दुपट्टा एक अलग हैंगर पे होगा। ये इसका दुपट्टा है और प्लेन लेनन का इसके साथ ट्राउज़र। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बेटी की अभी शादी हुई है और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये ड्रेस है फ़ाइज़ा सकलैन का और ये बहुत महंगा ड्रेस है। प्राइस मैं आपको नहीं बताऊंगी मगर ये है कि इट्स टू एक्सपेंसिव। मैंने अपने दामाद की शेरवानी भी उनसे बनवाई, कूला भी उनसे बनवाया और डिज़ाइनर के पास जाने का मकसद ये था कि मैं यहाँ शूट्स कर रही थी, काम कर रही थी, एक बिज़ी औरत किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करें। तो मैंने कहा चलें थोड़े पैसे ज़्यादा दे देते हैं मगर ये है कि हैसल फ्री हो जाएगा। बट नो, जितना डिज़ाइनर्स तंग करते हैं, आई एम श्योर कि अगर आप लोग कपड़ा ख़रीद के अपने दर्जी से या किसी और दर्जी से सिलवा लें आपको बहुत सस्ते भी पड़ेंगे कपड़े और आपको शायद इतनी ख्वारी भी ना करानी पड़े। मुझे 3 दफ़ा लाहौर जाना पड़ा मेजरमेंट्स ठीक कराने के लिए, फिर भी ये जो मैंने पहना है ये मेरे साइज़ से कम अज़ कम कोई 1.5 साइज़ बड़ा है। आई मीन डिज़ाइनर का मकसद ही होता है कि अगर आप हैवी हैं तो वो अपने कट से आपको कम दिखाएं, बट बिल्कुल ऐसा केस नहीं था। इलान इलान का तो कोई नाम भी मत ले, इलान से मैंने 85,000 का जोड़ा अनस्टिच कलेक्शन में ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि हम आपको स्टिच करके भेज देंगे। जब उन्होंने वो जोड़ा मुझे स्टिच करके भेजा तो लग रहा था मैंने कोई बोरी पहन ली है। इतने पथेटिक हैं ये लोग, किसी का ख्याल नहीं कर। मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं ज़िंदगी में कभी इन डिज़ाइनर्स के पास नहीं जाऊँगी। हाँ, एक डिज़ाइनर जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, फ़राइन फातिमा, जिन्होंने मेरी बेटी का ब्राइडल बनाया अनिया का। उन्होंने जो डेट दी, जो टाइम दिया, उसी पे बनाया ड्रेस और फिटिंग भी आधा इंच भी इधर से उधर नहीं थी, इट वॉज परफेक्ट यू कैन से। तो आई एम वेरी हैप्पी विद हर। बाकी जितने डिज़ाइनर्स थे सब बकवास, मतलब ये कि 4 चक्कर उन्होंने मेरे लगाए कि मैम एक दफ़ा और टाइम जाता जा रहा था, शादी करीब आ रही थी। तो इलान वालों ने एक दफ़ा बहुत लूज़ कर दिया, एक दफ़ा बहुत टाइट कर दिया और उन्होंने 85,000 का जोड़ा उस जिप बैग में भेजा जिसमें वो अपने लॉन के सूट भेजते हैं। कोई प्रेजेंटेशन भी होती है, कोई वैल्यू होती है, वैल्यू फॉर मनी होती है, बट नो, आई हैड टेरेबल एक्सपीरियंस। ये ड्रेस आपको लग रहा होगा खूबसूरत और ये है खूबसूरत मगर इसकी फिटिंग मेरे ऊपर इतनी लूज़ थी कि जितनी मैं हूँ उससे 1.5 साइज़ बड़ी लग रही थी। हालांकि डिज़ाइनर्स का मतलब होता है कि आप कम अज़ कम 2 साइज़ या 1.5 साइज़ छोटे लगें, ये होते हैं डिज़ाइनर्स।
कट की वजह से डिजाइनर्स होते हैं, वरना इन्होंने क्या लेसें ही लगाई हुई है ना, और क्या है ये, वो चिकनकारी का कपड़ा है, दैट्स इट। और अगर कट नहीं है, फिटिंग नहीं है, तो डिजाइनर डिजाइनर नहीं है। तो बहरहाल दिस वॉज माई गुबार जो मैं निकालना चाह रही थी आप पे, कि शादी के दिनों में मैं कितना परेशान रही हूँ। मेरे दामाद का कूला यहाँ आने के बाद, दो दफ़ा ठीक कराने के बाद भी आप शादियों में देखें यहाँ अटका हुआ है, और वो भी यहाँ पूरा दिन ख्वारी करने के बाद किसी तारिक रोड के एक बेचारे किसी शरीफ बंदे ने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ खुला, वो खुला करने के बाद यहाँ लटका हुआ है। तो ये तो इनका हाल है, अब इनसे कौन पूछे। So disappointed. ये भी एक मेरा फॉर्मल ड्रेस है, ये ज़रा पुराना है, मगर मुझे ये अभी भी उतना ही प्यारा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं चीज़ों को संभाल के रखूं, बिकॉज़ जो ट्रेंड्स ख़त्म हो जाते हैं वो कभी ना कभी वापस फिर आ जाते हैं, और बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग लगता है जब आप कोई चीज़ बहुत अरसे बाद पहने और सब लोग उसको प्रेज़ करते हैं। इसका भी कट बहुत अच्छा है और ये बहुत स्मार्ट लगता है। ये पॉपी हटो साइड पे, ये देखें इसकी साइड से ये इस तरह से, ये बहुत फ्लेयर इसकी साइड्स पे है, मगर वो आप जब इस तरह से आगे करके लेके आते हैं तो वो एक अच्छा सा स्टाइल बन जाता है। इसके साथ रेड चूड़ीदार है और ये ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा जिसमें के छन लगे हुए हैं सितारों के। तो दिस इज अनदर प्रिटी ड्रेस ऑफ माइन, और ये थी फॉर टुडे माई ड्रेस कलेक्शन पार्ट वन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे अपने फर्दर ड्रेसेस भी शेयर करूँगी। कैजुअल ड्रेसेस मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही क्योंकि उसके आधे से ज़्यादा वार्डरोब जो है वो मेरा शूट्स पे है, क्योंकि मैं तीन ड्रामे कर रही हूँ और तीन बक्से मेरे कपड़ों के, एक एक बक्सा हर ड्रामे पे है, जूते और ज्वेलरी और कपड़े। तो एक तो वो सारे वहाँ पे हैं, जब वो शूट ख़त्म होगी तो फिर वापस आएंगे, देन आई कैन शेयर। तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो मेरे कपड़े होते हैं उनको मैं कैसे स्टोर करती हूँ। ये देखें, ये तो हमारे ट्रैवलिंग के बक्से ये वो हैं, सफाई की चीज़ें हैं, ये जो हैं ये ऑर्गेनाइजिंग बैग्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त। इसमें मैं कपड़े रखती हूँ अपने शूट्स के जिसमें कंटिन्यूटी का कोई होता है, ये इस तरह से, ताकि नज़र आते रहें और पता चले कि कौन सा कपड़ा कहाँ है। ये हमारे ट्रैवलिंग के सूटकेसेस हैं जब हम जाते हैं, ये डब्बों में मैंने अपने कपड़े टैग करके रखे हुए हैं जो गिव अवेज़ हैं, अनस्टिच्ड हैं, और बच्चों के शॉर्ट शर्ट्स और दूसरी चीज़ें, एंड दैट्स इट जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। और आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो जो आप फरमाइश करते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो पूरी करूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छी लगेगी और आप उसे देख के खुश होंगे और आपको पसंद आएगी। तो इसी तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इन लाइन है जो आप तक पहुँचेंगी, तो आपको देख के मज़ा आएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा।